इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईमेल आईडी कैसे बनाया जाता है। जब आप प्ले स्टोर से ओपन करते हैं ईमेल आईडी बनाने के लिए, तो यहाँ से इस तरह से ऑप्शंस मांगता है, तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शंस आएगा, इसमें फॉर माय पर्सनल यूज ऊपर क्लिक करना है। जब आप ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शंस आएगा, फर्स्ट नेम, सुपर नेम, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट का। तो यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। क्या नाम है भाई आपका? तो यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं आसानी से। नाम डालने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक किया जाता है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका जो भी नाम होगा डाल दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा अपने अनुसार आप अपना डेट ऑफ बर्थ जान डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जेंडर यानी मेल है या फीमेल है। आदमी का मतलब होता है मेल और औरत का मतलब होता है फीमेल। तो आदमी है तो मेल है। मेल पे क्लिक कर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप अपना आईडी बना सकते हैं, जैसे कि आपको लिखना है आईडी बनाने के लिए इस तरह से। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो देखिए यहाँ से नहीं लेगा, ठीक है। तब यहाँ पे कुछ अंक आपको डालना पड़ता है, तो जैसे कि अंक डाल दिए आप, तो इस तरह से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ले लेगा, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी ले लिया, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड में अपना नाम डालकर @ कुछ भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे पासवर्ड बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड बन गया। आपका जो भी नाम होगा, नाम @ कुछ भी अंक डाल दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ईमेल आईडी पासवर्ड अपना याद कर लीजिएगा, आपको काम देता है भविष्य में। इस तरह से ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल कर ऊपर करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यस आई मीन का ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपकी ईमेल आईडी आ जाती है। आपको इस तरह से नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन टर्म एंड कंडीशंस प्राइवेसी आता है। ऊपर स्क्रॉल कर आई एग्री पे क्लिक करना होता है। जैसे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, ये आईडी आपका कुछ ही टाइम में बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये आईडी बनकर तैयार हो गई। अब आप इस तरह से प्ले स्टोर की आईडी आसानी से बनाया जाता है, जो आपके सामने है। एक्सेप्ट कर देना है प्राइवेसी पॉलिसीज़। देखिए ईमेल आईडी आपका बनकर तैयार हो गया। अभी इस ईमेल आईडी के माध्यम से आप कुछ भी चला सकते हैं।